केजरीवाल को मिली जमानत पर रोक, दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने जमानत पर रोक लगाई। हाईकोर्ट में ईडी की अर्जी पर सुनवाई, बड़ी जानकारी है। ईडी ने रोक की थी लगाने की मांग और देखिए ईडी ने पक्ष रखने का मौका मांगा है। कल राउज एवेन्यू कोर्ट से केजरीवाल को जमानत मिल गई थी लेकिन अब देखिए इनकी जमानत पर रोक लगाने की बात सामने आ रही है। दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशील, देखिए केजरीवाल को मिली जमानत पर आप रोक लगने की बात सामने आ रही है, क्या जानकारी है, एक बार पूरी बात बताइए। देखिए अरविंद केजरीवाल की फिलहाल रिहाई पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि जब तक इस पूरे मामले में विस्तृत सुनवाई नहीं ली जाएगी तब तक निचली अदालत के आदेश पर रोक रहेगी और हाईकोर्ट 15 मिनट बाद अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी पर सुनवाई करेगा। लेकिन तब तक कहीं ना कहीं जिस रिहाई की बात अरविंद केजरीवाल की तरफ से की जा रही थी उस पर फिलहाल हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया है। ईडी की तरफ से इस पूरे मामले में कहा गया कि उनकी अर्जी दरियाओं को कोर्ट ने नहीं सुना, लिहाजा उनकी रिहाई पर तत्काल रोक लगाई गया है। तो कोर्ट ने कहा कि अभी हम फिलहाल इस पूरे मामले में उनकी रिहाई पर तत्काल रोक लगा रहे हैं और इस पूरे मामले में अभी 15 मिनट बाद सुनवाई करेंगे। अगर कि आज दिल्ली हाईकोर्ट अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा और आदेश भी जारी करेगा। जब तक हाईकोर्ट इस मामले में आदेश जारी नहीं करता है तब तक अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर रोक रहेगी।